अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त, जिम्मेदार भाइयों को किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना कारीगर अतीक रहमान। तो आज बात करते हैं कि सूरजमुखी की काश्त कैसे करें। तो सूरजमुखी की काश्त करने के लिए तीन चार पहले मरहल हैं, उन पर बात करें कि सबसे पहले ज़मीन का इंतखाब, तैयारी, बीज और उसके लिए जो वक्त काश्त है इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ज़मीन का इंतखाब, तो सूरजमुखी के लिए ज़मीन का इंतखाब ऐसे है कि जो ज़मीन मैरा या भारी मैरा ज़मीन है उसके लिए सबसे बेहतरीन ज़मीन है। और उसके अलावा ये रेतली ज़मीन पे भी हो जाता है, लेकिन रेतली ज़मीन पे अच्छी पैदावार नहीं आती। तो कुरलाठे रकबे पे बिल्कुल इसको काश्त ना करें। तो काश्त करने के लिए तीन तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो ज़मीन तैयार करके, जैसे जो मकई के लिए या चावल के लिए या किसी फसल के ज़मीन तैयार करते हैं वैसे तैयार करके, यानी कि नरम और भुरभुरी बन जाए, तो उसके ऊपर ड्रिल या प्लांटर या उसके बाद वट्टों पे इसको काश्त कर सकते हैं। तो आपको शमालन जनूब पर इसकी जो प्लांटर के ऊपर काश्त कर दें, तो इसका ये एक तरीका ये। और दूसरा है कि आम वट्टों पे काश्त करने के लिए, जो जिससे आप ये आलू के वट्टे बनाते हैं या खेलियाँ बनाते हैं, जो उसकी सिंगल खेल भी कहते हैं, तो इसको आप शरकन गर्बन खेली पर निकालें और उसके ऊपर जनूब की तरफ चोपा लगवा दें। तो ये तरीका। और उसके बाद है तीसरा तरीका है कि आप जो ट्रैक्टर ड्रिल है उसके ज़रिए भी इसको काश्त कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सा मर्ज़ी आप रोक इस्तेमाल कर लें, चाहे शमालन जनूबन कर लें, चाहे आप शरकन गर्बन इस्तेमाल कर लें, तो वही बीज उतना ही इस्तेमाल होगा। तो ये ठीक है। तो इसके लिए जो बीज के जो बेहतरीन वराइटियाँ हैं वो कुछ 6 किस्म 7 किस्म की जो वराइटियाँ हैं जो मैं आपको बताया, इन्हीं में से कोई आप काश्त करें। तो सबसे पहले सजेंडा की एक वरायटी है आर्मनी, इसका ये दरमियाने कद की वरायटी है और ये बाकी वरायटियों से 20 दिन पहले पक के तैयार हो जाती है। तो आप ये काश्त करें, इसकी जो 40 से 45 मान पैदावारी सलाहियत है। इसके अलावा ICI की तीन वरायटी हैं, इनमें से भी कोई भी आप वरायटी काश्त करें। एक हाइसन देती है जो पहले से आप चलती आ रही है, वो भी काश्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो पैदावारी सलाहियत है ये 25-30 मान से ऊपर नहीं जाती। इसके अलावा आप ICI का 40318T वो काश्त कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वरायटी है। इसके अलावा इसी ICI की एक वैरायटी है जिसको अगोरा 4 कहते हैं, अगोरा 4 वो भी काश्त कर सकते हैं। और इसके अलावा उमर सीड की एक वैरायटी है US 666, वो काश्त करें। या सनक्राब की एक वैरायटी है जिसको अक्सन 5264 कहते हैं, और इसी तरह सेठी सीड की एक वैरायटी है उसको भी 5264 कहते हैं। इनमें से कोई भी वैरायटी जो आपको दस्तियाब हो वो काश्त करें, लेकिन जो सबसे बेहतर है वो आर्मनी है। अगर आपको वो मिल जाए, सजेंटा की वैरायटी है तो बेहतर है। इसके अलावा जो भी बाकी, अगर वो अगर आपको ना मिल रही हो तो फिर उनमें से जो मैं वैरायटियाँ पहले जिक्र कर चुका हूँ उन्हीं में से काश्त कर लें। तो आज का मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद रही मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। मैं हूँ आपका अपना रही मार्ग।